अगले आधे घंटे में आप देखेंगे बतादी का सुरीला म्यूजिक रिव्यू। देखो मौसम के हिसाब से लिखना चाहिए था, जैसे बारिशों के दिन है तो ले 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 छतरी ले ले रे। क्यों अवार्ड विनिंग टंगना को हुई फिल्म समझने में परेशानी? इतनी महंगी फिल्म बनाई है लेकिन प्रिंट इतना खराब कैसे था, पूरी फिल्म ब्लर नजर आ रही थी। गौर से देखिए इस शो को जहां मौजूद है इस जमाने के दो सैंपल्स। मतलब मैंने ना ब्रांड लिपस्टिक लगाई है महंगी वाली, सरोजिनी नगर ब्राइडल मार्केट से लेकर आई थी। अरे लाइट गिर गई ना मेरे पर, तो माइक इतना छोटा सा इसमें आवाज आ जाएगी ना पक्का। हाय मैं तो बड़ी कॉन्शियस हो रही हूं। ओके हेलो जी, दिस इज सुगंधा मिश्रा एंड दिस इज देव केविन। देव केविन दवे है ना? चुप कर। और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का पहला ऐसा शो जिसमें हम आपको लेडीज बहनों की एक एक खबर देंगे, उनकी लिपस्टिक बिंदी लिप पेंसिल आईलाइनर आईलैशेस और बालों में लगाई एक एक छोटी छोटी सुई की खबर। इसका कहने का मतलब है कि हम आपको बॉलीवुड की तरफ जाने वाली हवा तक की भी खबर देंगे। गंदी हवा की और अच्छी हवा की भी। ब्रांडेड है तन्नू वेड्स मनु में कंगना ने ये लगाया था। तुम्हें कैसे पता? थिएटर में सूंगा था मैंने, खुशबू आई थी मेरे को, यही था सेम टू सेम। खैर आगे बढ़ते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। एक मिनट, पहले ये तो बता दो टॉप स्टोरीज में होता क्या है। इसमें बॉलीवुड की हर लेटेस्ट न्यूज होगी, लेके चलेंगे आपको सितारों की प्रोफेशनल लाइफ से लेके उनके पर्सनल बेडरूम तक। बेडरूम में जाओगे तुम? अच्छा सुनो, अगर दीपिका के बेडरूम में जाना प्लीज बताना कौन सी बेडशीट यूज करती है, इतना ग्लो यार। मैं भी मम्मी से कह के वही वाली बेडशीट मंगवाऊंगी, पता सेम टू सेम। मम्मी को बोलूंगी सेम बेडशीट ला दो मेरी माँ। एक मिनट, तुम्हारी माँ से नहीं, मेरी माँ से। वी आर वेरी रिच। ओके टॉप स्टोरीज। सलमान खान ने जैकलिन फर्नांडिस को किक 2 से किक देकर कर दिया है आउट, और अगली किक के लिए किसी नई हीरोइन की कर रहे हैं तलाश। तलाश? तलाश की क्या जरूरत है यार, आई एम हियर हॉट एंड सिजलर टैलेंटेड सुगंधा मिश्रा मिश्रा मिश्रा। तू और हॉट? कोई शक? कल पता है क्या, राइट हैंड गलती से लेफ्ट हैंड पे पड़ गया। आउच! क्या हुआ? जल गया यार, एंटीसेप्टिक लेके लगाई मैंने। फिर अपनी अगली फिल्म के लिए एक्टर जायद खान कर रहे हैं एक अच्छी स्क्रिप्ट का इंतजार। माय गॉड, मैं तो कहती हूँ ना उसकी स्क्रिप्ट उस तक रीच ही ना होए। मतलब उसका जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, वो राइटिंग छोड़ के पानी पूरी का ठेला हो ले, इससे अच्छा। माय गॉड। अरे लेकिन सोच, हिमेश रेशमिया के हाथ पहले लग गई तो क्या होगा, उससे बेटर तो जायद खान है ना। करेक्ट। आए हाय, कभी कभी अच्छी बात कर देते मेरे गोल गप्पू। अर्जुन कपूर ने अपने और रणवीर के ब्रोमांस वाली न्यूज पर सफाई देते हुए कहा है कि दे आर जस्ट गुड फ्रेंड्स और उनके बीच में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। भाई रब्बा, एक जमाना था जब माए अपने बेटे को कह रही थी बेटा सुशील लड़की से शादी करना, फिर जमाना आया माए बोलने लगी बेटे अपनी कास्ट वाली लड़की से शादी करना, आज पता माए क्या बोलती है, बेटे लड़की से ही शादी करना एटलीस्ट। सुगंधा मिश्रा का अफेयर चल रहा है रणवीर सिंह के साथ और दीपिका का रो रो कर हुआ है बुरा हाल, और रणवीर ने कहा है कि सुगंधा के साथ तो बहुत खुश रहेगा एंड ही डोंट केयर अबाउट दीपिका। टॉप स्टोरी सुनाने को कहा था, सपने नहीं। खैर अब वक्त हो गया है हमारे म्यूजिक रिव्यू का। हम बात करेंगे फिल्म बजरंगी भाईजान के सॉन्ग सेल्फी की, और हमारी म्यूजिक एक्सपर्ट पता दी हमारे साथ मौजूद है। पता दी, क्या कहना है आपका इस गाने के बारे में? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी नमस्कार। नमस्कार दीदी। अब मैं फिर से कहना चाहूंगी नमस्कार, क्योंकि आप दो लोग हैं इसलिए दो नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दीदी। आप सेल्फी सॉन्ग पर क्या रिव्यू देना चाहेगी? ये क्या बात हुई, स्वार्थी सॉन्ग? दीदी सेल्फी स्वार्थी नहीं। अरे सब पता है मुझे भाई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लोग सेल्फी लेते हैं तो आ गया गाना कि चल बेटा सेल्फी ले ले रे, कल को बोलेंगे कि चल बेटा सेल्फी लेती हूँ अब सेंड कर दे, फिर बोलेंगे आप अपलोड कर दे, फिर बोलेंगे कमेंट कर दे,
भाई ये कोई बात थोड़ी ना हुई, बस आदमी यही कुछ करता रहे और कुछ ना करे। दीदी। हाँ क्या दीदी, तेरा देवर सुनाऊं क्या? हाँ। क्या हाँ? गाने का रिव्यू दीजिए ना। भाई गाना हो तो रिव्यू दूं ना। वैसे किसने गाया है ये गाना? ये गाना गाया है विशाल, नकश, प्रीतम और बादशाह ने। वाह, चार लोगों ने मिल के गाया है, फिर भी सेल्फी ले 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 और एंड पे सेल्फी ले ले रे। भाई इससे अच्छा तो हमारे जमाने में होता था, एक सिंगर होता था, वही फिल्म के 8-10 गाने सब गाता था। नहीं मतलब आपको गाने की वर्डिंग्स कैसी लगी? लिरिक्स तो बिल्कुल ही गलत है। देखो मौसम के हिसाब से लिखना चाहिए था, जैसे बारिशों के दिन है तो ले 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 छतरी ले ले रे, अगर दिसंबर में आएगा तो होना चाहिए ले 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 रजाई ले ले रे। अगर आपको इस गाने को ऐसे ही रेट करना है तो कितने नंबर देंगी? भाई पहली बात तो है मैं नंबर वंबर नहीं दूंगी, मैं सुर दूंगी, सारे गामा पा धा नी सा। तो भाई जो मैंने गाया है उसे दूंगी पूरे 5 सुर और बाकी सबको दूंगी 10। 10 सारे गामा? आपको इतना अच्छा लगा क्या? अरे बेटा पूरी बात तो सुन लिया कर, 10 दूंगी मतलब 10 बार डांटूंगी कि ये क्या गाना बनाया है। धन्यवाद। हमारी दीदी सबसे हटके हैं। और इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कितना पागल आदमी है वो, पैरानॉर्मल लोगों पर फिल्में बना रहा है, वो भी 10-10, डिस्गस्टिंग। And welcome back to Fun Tana Tan. Tan Tan. अब वक्त हो गया है सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट का, फिल्म रिव्यू का। हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुई सबसे बड़ी फिल्म एबीसीडी 2 की। सच्ची बड़ी फिल्म थी, मैंने सुना पूरे 3 घंटे की, भाई गॉड। ओके तो आइए एबीसीडी 2 का रिव्यू जानते हैं हमारी फिल्म विशेषज्ञ तंगना से। तंगना कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस एबीसीडी 2 देखने के बाद थोड़ा सा पेट में जलन हो गया है। हाय हाय, पॉपकॉर्न ज्यादा तीखे थे क्या? तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल गुल हो चुका है, तुम्हें धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। वैसे मुझे जलन उनका डांस देखकर हो रही है। अभी अपनी फिल्म दोनों बेस्ट मूड में घोड़ी के आगे मैंने इतना अच्छा डांस किया है, उसके बाद किसी और का इतना अच्छा डांस स्टेप देखकर मेरे को पछता नहीं है, यू नो। और ऐसा स्टेप कोई कैसे कर सकता है? एक वो वाला स्टेप था, वो प्रभु देवा कर रहा था। I'll show you one second. क्या? खोलो मुझे, कोई तो खोलो। तंगना जी, थोड़ा संभल के। Okay. You know, I'm a good dancer. I can see that. तंगना जी, सबसे पहले ये बताइए कि एबीसीडी 2 में खास बात क्या है? खास बात ये है कि फिल्म में डांस बहुत फालतू था और स्क्रिप्ट उससे भी फालतू थी। इधर जहाँ जहाँ स्क्रिप्ट आती थी मेरा दिल करता था कि पकड़ कर फाड़ दूँ। ये क्या डायलॉग्स लिखे हैं यार, मतलब इससे अच्छे तो मेरे से लिखवा लेते। पूरी फिल्म में श्रद्धा ने बस एक ही डायलॉग बोला है और रिहर्सल करे, मतलब ये क्या है यार। लेकिन आपको पूरी फिल्म कैसे लगी? पूरी फिल्म बहुत अच्छी थी, बट कैसे किया इन्होंने 3 घंटे डांस, मतलब स्ट्रेंज, मैं तो देख देख के थक गई। मतलब पूरी फिल्म में सिर्फ डांस ही है? सॉरी सॉरी, एक्चुअली पूरी 3 घंटे में से बीच में 15 मिनट की स्किप भी थी, और उसमें भी पूरे 15 मिनट नहीं, उसमें भी 10 मिनट का इंटरवल भी था। और एक बात मैंने नोटिस की, इतनी महंगी फिल्म बनाई है लेकिन प्रिंट इतना खराब कैसे था, मतलब इतने बड़े स्क्रीन पर बहुत ही ब्लर आ रहा था, पूरी फिल्म ब्लर नजर आ रही थी। तंगना जी वो 3D फिल्म थी। ओके आई नो, तो फिर इसका मतलब तो फिर आपको रिव्यू भी 3D चश्मा पहन कर लेने चाहिए ना, मेरे पास है। बहुत जल्दी में हो, नौकरी से निकाल दूं क्या? देखिए फिल्म बहुत अच्छी थी, स्क्रिप्ट में बीच बीच में जर्क्स थे, लेकिन मेरे भाई रेमो ने फिल्म बहुत अच्छी डायरेक्ट की है। इतने अच्छे लोकेशन, इतने अच्छे सीन, इतना अच्छा कॉस्ट्यूम, इतना अच्छा डांस, एंड क्या सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने फिल्म में पूजा बत्रा को धुन निकाला है। मतलब 10 साल में इंडस्ट्री में किसी डायरेक्टर ने ऐसा नहीं किया, लेकिन रेमो ने कर दिया। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रेमो। तो आप उस फिल्म को कितने स्टार्स देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं स्टार्स नहीं दूंगी, क्योंकि मैं खुद एक बहुत बड़ी स्टार हूं। मैं इस फिल्म को शॉट्स देना चाहूंगी। शॉट्स? इस फिल्म को मैं देती हूं 3 शॉट्स। तो ये था तंगना अजावत का रिव्यू एबीसीडी 2 पर। केविन यार, तुम्हें नहीं लग रहा कि वो तंगना मेरा स्टाइलिंग कॉपी करती है? चश्मे निकाल दो ना।
है ना? मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, धीरे-धीरे पता चलेगा। लॉल्स यार। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आवर पनवेल डिस्कशन। तुम्हें नौकरी पे किसने रखा? बॉस ने। कैसे? सिफारिश नाम की भी कुछ चीज होती है बाय गॉड। पैनल डिस्कशन। बॉम्बे कॉटन के फ्लॉप होने के बाद जाने माने फिल्म डायरेक्टर जनुराग कैश्यप ने अपनी नेक्स्ट फिल्म पर काम शुरू कर दिया है, जो कि एक हॉरर फिल्म है। लेकिन उनको कास्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हिंदुस्तान के भूतों ने उनकी फिल्म में काम करने से कर दिया है मना। क्या बात कर रहे हो? उनके गुरु श्याम को बलवन मनवीर बना कर दिया। उसे दिखते वैसे हैं, वो भूत थोड़ी ना है। तुम्हें बड़ा पता है कितने सालों से नहीं दिखाई दे रहे। अरे इस इंडस्ट्री में दिखना बहुत जरूरी है। 2 साल भी कोई गायब हो जाए ना तो दुनिया उसको भूत ही समझ लेती है। तो फंकी पांडे भूत है क्या? चुड़ैल है। नहीं, वो मैंने सुना कि अनुराग कश्यप ने उसको अप्रोच किया था, वो क्या मंजुली का, उसने मना कर दिया उसकी फिल्म में काम करने से। वही तो हमारा पैनल डिस्कशन का मुद्दा है। तो आइए वेलकम करते हैं आज के हमारे पैनलिस्ट का। हमारी पहली पैनलिस्ट है मुंबई भाईकला कब्रिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव मंजुलिका और जनुराग कश्यप के पर्सनल रिक्शा वाला चमन चिकना। आत्मा जी। हमार मंजुलिका, नाम तो सुना ही होगा। नहीं, सबने नहीं देखी, भूल गया। मंजुलिका जी, द यूनिवर्स वांट्स टू नो, आपकी क्या प्रॉब्लम है? आप कैशप की फिल्म में काम क्यों नहीं करना चाहती? मैं भी वहीं से आ रही हूँ। कितना पागल आदमी है वो, पैरानॉर्मल लोगों पर फिल्में बना रहा है, वो भी 10-10। डिस्कस्टिंग। क्या बोली रे? वो पागल आदमी है और तू बड़ी इंटेलिजेंट है हा? जो इतनी लाइट में मोमबत्ती लेके घूम रही है आइंस्टाइन की माँ। मिस्टर चमन चिकना, आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही है हिंदुस्तान में, आप वुमेन के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। ये वुमेन एम्पावरमेंट मेरे को मालूम है, वो वुमेन है लेकिन मैं भी वुमेन है, समझा क्या? तुमको मालूम है मेरा सांप कितना जमीन से जुड़ा हुआ है? अरे कभी कभी तो मेरे साथ गाना गाता है और कभी कभी मेरे को क्या बोलता है, तू पिछू बैठ, आज मैं रिक्शा चलाएगा। हमारी बोथ इंडस्ट्री में वो बैन है। बैन कर दो, बैन, बैन कर दो, बैन। ये मंजोफिक, ये मैडम तेरा नाम है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आज से मैं तेरे को मंजू बुलाएगा, चलेगा? क्या हो गया? मेरे को इतने प्यार से आज तक किसी ने नहीं बुलाया, मेरी मोहब्बत जाग उठी है, मेरी मोहब्बत फील कर बो, मैं तो आर अंदर आबो, तो आर अंदर आबो। एक सेकंड, तू मेरे अंदर आएगा तो मेरे को हील कौन करेगा? देख मंजू, मैं क्या बोल रहा हूँ सुन, पहले मेरे को ये बता कि मेरे सांप को बैन क्यों किया? उसने काम ही ऐसा किया। अरे पहले बच्चे सोते नहीं थे तो माँ ही बोलती थी सो जा भूत आ जाएगा, पर अब बच्चा सोता नहीं है तो माँ बोलती सो जा, ये तो कैशप की फिल्म दिखा दूंगी। एक मिनट मंजू जी, आप मेरे को ये बताओ पहले कि आपका नेल पेंट कहाँ से लिया आपने? मैं तेरे लिए भी ले आऊंगी बहन। थैंक यू। ये लेडीज लोग, तुम लोग का ये होम साइंस बंद करो, मैं तुमको बताएगा अगर तुमने बैन भी किया है ना तो मेरा कैशप साहब वन मैन आर्मी है। वन मैन आर्मी मतलब फिल्म में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी वो खुद ही करेगा? ए मंजू, मैं तेरे ना बाल खींच लूंगा। बकवास बंद कर दो, नहीं तो अंदर आ वो। इस घमासान युद्ध के लिए हमें खेद है, आप कहीं जाइएगा मत, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलते हैं। सुगंधा यार पीट करो। हाँ बिल्कुल सच्ची। ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं बॉलीवुड वेदर फोरकास्टिंग में। हमारा नाम है भूगोल सिंह। नमस्कार, हमारा नाम है भूगोल सिंह, हम आपको बताएंगे बॉलीवुड के मौसम का हाल। बदलते मौसम की पहली बारिश का असली मजा आमिर खान ही उठा रहे हैं। पीके के रिलीज के इतने हफ्ते बाद भी पैसों की जोरदार बारिश अभी तक थमी नहीं है, और खबर है कि पीके ने चाइना में भी 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इस साल के अवार्ड फंक्शन में
कंगना और शाहिद नामक दो जबरदस्त पवंडर चल रहे हैं जो सारे फिल्मी अवार्ड को उड़ा ले जा रहे हैं। बाकी के एक्टर्स तो यही दुआ कर रहे होंगे कि जल्दी से मौसम बदले और ये आंधी का रुख उनकी तरफ भी आ जाए। एक्टर राजपाल यादव के घर बाढ़ और सूखे का अजीबोगरीब कॉम्बो मौसम देखा जा रहा है। एक तरफ उन पर कर्जे की बाढ़ आई हुई है और वहीं दूसरी तरफ फिल्मों का जबरदस्त सूखा पड़ा हुआ है। ऐसे मौसम में राजपाल का तौलिया गीला होगा या सूखा, ये मौसम वैज्ञानिक अभी तक नहीं बता पाए हैं। सनी देओल की फिल्म मोहल्ला 80 के डायरेक्टर को फिल्म के गाली गलौज भरे ट्रेलर की वजह से खराब मौसम का सामना करना पड़ रहा है। अगर बिना सुरक्षा बाहर निकले तो ओले की बौछार से उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तो ये था बॉलीवुड फोरकास्ट, हम आपसे फिर मिलेंगे। बैक टू यू सुगू। इट्स टाइम टू से टाटा गुड बाय। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पे। तब तक के लिए लव यू बॉलीवुड। सायोनारा। सेम सेम। हो गया हो गया। अच्छा तो किस पे फिल्म होनी चाहिए? अच्छा अभी तू मेरे को बोलेगा किस पे फिल्म होनी चाहिए? चाचा चौधरी के कॉमिक वाला साबू अभी तो I'm so hot, happening and sizzler, you know. यार लगा दो ना उधर। चुप करो, प्रॉम्प्ट है। शॉट्स की बात की तू? बोलते नहीं है। शॉट्स लेना चाहूँगी।